झारखंड राज्य के गुमला जिले में लगातार हत्याएं हो रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला खागरा थाना क्षेत्र का है, जहां चुंदरी सीमांत पर नगटोली में सगे भाई बहन का पुलिस ने शव बरामद किया है। दोनों की पहचान कोटमाटी ग्राम निवासी धीरेन्द्र भगत के पुत्र और पुत्री के रूप में हुई है। मृतकों की पहचान चाचा ने की है। जानकारी के मुताबिक हत्या पत्थर से कुचल कर की गई है। आइए देखते हैं कि मृतक बहन और भाई के परिजन ने इस घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है और इस घटना को लेकर ग्रामीण और एसपी गुमला का क्या कहना है। चुंदरी नगटोली और बेती दोनों के बीच परिसीमन में दो भाई बहन का निर्मल हत्या हुआ है। हत्या होने के बाद में ग्रामीण यहाँ भय में तजी ही रहा है, डर बना हुआ है। गांव कोटामाटी का दशहरा कर्मा था, तो मेरा भतीजा संजीव रंजन भगत अपने से छोटी बहन संगीता खाका को कर्मा के लिए पर्व मनाने के लिए गांव छोड़ने के लिए आया था। छोड़ने के बाद गांव घर में छोड़ने के बाद 7:10 में घर से निकला और लोहरदगा पहुंचा ही नहीं। लोहरदगा जाने के लिए निकला था, पहुंचा नहीं, जिसके कारण से जब 7:45 फोन किया गया तो पता चला चल रहा है कि नहीं वो लोग नहीं पहुंचा है। तो उसी समय से हम लोग प्रयास खोजबीन कहीं मर मेहमानी चला गया होगा या किसी तरह का दुर्घटना हो गया होगा कहके हम लोग ऐसा सोच के प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक शिकायत मेरा जरूर रहेगा, लोहरदगा थाना में चूंकि हम 12 बजे रात में गए थे, हमको सहयोग कीजिए कहके, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई या फिर घाघरा थाना को सूचना नहीं किया गया। ये बड़ी दुखद बात है। कम से कम सूचना हो जाता तो शायद मेरा बेटा भतीजा लोग आज शायद जिंदा रहता। माता खाका सर भाई बहन की हत्या हुई है, पुलिस ने शव बरामद कर लिया, क्या है मामला? घाघरा थाना अंतर्गत थाना से 8-9 किलोमीटर दूरी पर चुंदरी नवाटोली में एक भाई बहन का गड़बड़ी मिला है, दोनों को पत्थर से पूछ के मारा है। इसमें भाई का नाम है संजीव रंजन भगत और लड़की का नाम है ममता खाका। ये दोनों लोहरदगा में रहती है और अपना पूजा पर्व के टाइम में अपने गांव कोटामाटी में आया हुआ था और कोटामाटी से लौटने के क्रम में इन लोगों के साथ ऐसे घटना घटा है। हम गड़बड़ी अपने कब्जे पर ले लिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोग भेज रहा है। हम लोग SSL फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड का मदद मांगा है, इसे हमारा टीम आएंगे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम लोग जल्दी इसको जो भी मारा है इस केस का खुलासा हम लोग करेंगे। बेसिकली आज पर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको जो मिला है, जो गाड़ी ये जो इन लोगों का हमारे विक्टिम का है, वो इन लोगों का डेड बॉडी के बीच में 10-12 किलोमीटर का दूरी पर इन लोगों का गाड़ी बरामद हुआ है, उसपे भी अभी हम लोग फिंगरप्रिंट ब्यूरो के माध्यम से फिंगरप्रिंट उठाने का काम कर रहा है। सर हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है सर? अभी तक ये हत्या के पीछे कारण हमको अनुसंधान के बाद ही पता चलेंगे। जब हम लोग अनुसंधान शुरू करता है, हम लोग ओपन माइंड से शुरू करता है, हम लोग हर एंगल का चेक करता है और जो सही है उस पर हम लोग लास्ट में पहुंचा देंगे।